नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं चर्चा कर रही हूं मधेसी पार्टी लोसपा को लेकर। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी अर्थात लोसपा, जिसने मधेस केंद्रित दल के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मधेस के लोगों को इस पार्टी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अपने कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस दल के नेताओं में समय समय पर टकराव होता आया है, जिस कारण अब मधेसी भी मधेस केंद्रित इस दल से बहुत ज्यादा उम्मीद करना छोड़ दिया है। यह टकराव एक बार फिर से सामने आई है, जब लोसपा केंद्रीय समिति पुनर्गठन को लेकर बैठक की गई और राजेंद्र महतो जी उस कार्यक्रम में या उस बैठक में एक जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस पार्टी के लिए, इसमें शामिल नहीं हुए। काठमांडू के पत्र पत्रिकाओं में ये बातें आने लगी, खबरें आने लगी कि लोसपा में दरार आ गई है और राजेंद्र महतो और महन ठाकुर में टकराव हो रहा है। इनकी दृष्टि मधेसी नेता और उनकी इस तरह के क्रियाकलापों पर ज्यादा टिकी रहती है। तो काठमांडू की पत्रिकाओं के हेडलाइन में आने लगा कि मधेसी पार्टी एक बार फिर से टूटने के कगार पर है। वैसे इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये पार्टी मौका देते हैं ये कहने की। कौन सी ऐसी पार्टी है, अगर आप नजर घुमा करके देखें तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मनमुटाव नहीं होते हैं, अंदरूनी लड़ाइयां नहीं होती हैं, टकराव नहीं होते हैं, बहस नहीं होते हैं। लेकिन इन बातों पर ज्यादा अटकलें नहीं लगाई जाती है। अटकलें लगाई जाती है मधेसी पार्टी को लेकर के। वैसे इस बैठक को लेकर के लोसपा के जो महासचिव सुरेंद्र झा जी हैं, उनका कहना है कि लोसपा के केंद्रीय समिति में 318 सदस्य हैं अभी, जिनमें से कुल उस दिन उपस्थिति की अगर बात करें तो 216 लोगों की उपस्थिति थी। इस बात से साफ नजर आता है कि सदस्यों में असंतुष्टि है। रही बात महतो जी की, तो उन्होंने भी बताया कि इस बात पर तो पार्टी ही शायद नहीं, पार्टी नहीं टूटेगी। रही बात महतो जी की, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के पार्टी नहीं टूटेगी। अभी महतो जी का कहना है कि उन्हें अभी भी महन ठाकुर पे बहुत ज्यादा भरोसा है। महतो जी का कहना है कि मधेस आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें केंद्रीय समिति में नहीं लाया गया है। वहीं महासचिव सुरेंद्र झा जी का कहना है कि एक ओर केंद्रीय समिति में उन लोगों को लाने की तैयारी की जा रही है और दूसरी ओर महतो जी ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। विधान अनुसार केंद्रीय समिति में 401 सदस्य होने चाहिए, अभी 90 लोगों को चुनना बाकी है। लेकिन कहने के तुरंत बाद तो कोई काम नहीं हो जाता है, थोड़ा समय लगता है और इस बात से राजेंद्र महतो जी भी वाकिफ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन सभी लोगों से संपर्क में हैं और हम उन्हें चाहते हैं कि वो इस केंद्रीय समिति के सदस्य बने और इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। महतो जी के बारे में बातें आई हैं कि उन्होंने पहले प्राथमिकता में आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उनको देना चाहते हैं। उनका कहना है कि मधेसी आंदोलन में भाग लेने वालों में जैसे कि चंद्र प्रसाद राजवंशी जी का नाम उन्होंने लिया, नारायण शाह जी का नाम उन्होंने लिया, पनीराम चौधरी जी का, और ना जाने कितने लोग हैं जो छूट गए हैं, इन सभी को केंद्रीय समिति में नहीं रखा गया है। महतो जी बहुत पहले से इन सभी को शामिल करना चाहते थे, लेकिन लोसपा में परिवारवाद इतना ज्यादा हावी है कि इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं गया। परिवारवाद को लेकर के इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है कि लोसपा में परिवारवाद हावी है। एक समय था जब महन ठाकुर के नाम पर लोगों का श्रद्धा से सिर झुक जाया करता था, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो नेता से लेकर आम नागरिक खुलेआम बोलते हैं कि महंत ठाकुर ने अच्छा काम नहीं किया है। पार्टी के केंद्र सदस्य के रूप में उन्होंने अपने समधि, अपनी समधन, अपनी बेटी और अपने न जाने कितने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को केंद्र सदस्य के रूप में सदस्यता दी, जो कहे तो आम नागरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। एक समय था जब मधेस में इस पार्टी का प्रभाव था, लोग सम्मान करते थे, जीत की उम्मीद करते थे, अपनी बातों को इनके सामने रखते थे ताकि ये आगे तक इनकी बातों को ले जाएंगे। लेकिन गत निर्वाचन की अगर हम बात करें कि लोसपा राष्ट्रीय दल भी नहीं बन पाई है, परिवारवाद इतना हावी हो चुका है कि उससे यह
पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही है। नेता का अर्थ ही है नेतृत्व करने वाला, उनसे उसमें वह क्षमता हो कि वह दूसरों का नेतृत्व कर सके। लेकिन यहाँ लोग चापलूसी जो आगे पीछे करते हैं, नेता उनकी ही सुनते हैं। ये सच है कि मधेश आंदोलन ने मधेश को एक अलग पहचान दी है। इसमें जिनकी अहम भूमिका रही है उन्हें जगह जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस पार्टी में ऐसा हो नहीं रहा है। परिवार को कैसे मिलाकर रखा जाए इस बात पर ज्यादा ध्यान जा रहा है। आप किसी विद्वान व्यक्ति को अपनी पार्टी में लाते हैं तो कोई शिकायत नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप ला रहे हैं जो पार्टी की हित की बात करता है, आपकी अच्छाई और बुराई को आपको दिखाता है, आपकी हित की बात करता है, आपकी पार्टी की हित की बात करता है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का चुनाव यदि आप करते हैं जो केवल आपकी हर बात में हमें हाँ मिलाता है, कोई तर्क नहीं करता है, केवल दिखावे के लिए सदस्य ना बनावे। सदस्य संख्या पहुंचाना है, इसके लिए किसी को भी पार्टी का सदस्य ना बनाए। ऐसे करने से पार्टी की छवि पर खराब प्रभाव पड़ता है। एक पार्टी का अध्यक्ष अभिभावक होता है, उसे हर किसी की बात को सुननी होती है, लेकिन हाँ, करना वही है जो पार्टी के हित में हो। नकारात्मक चीजों से बचें। नमस्कार।